देखिए कितने इसमें फ्लावर हैं, कितने बड़े साइज के फ्लावर हैं, कितने बड़े बड़े साइज के फ्लावर, और बहुत अच्छे हेल्दी पौधे भी हैं। कितने एक प्लांट में कितने में, जैसे गुलदस्ता है, जैसे गुलदस्ता होता है इस तरह से फ्लावर खिले हुए हैं सारे गुलाब में। तो यहाँ अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अमेरिका में एक स्कूल है हमारे घर के पास, तो उसी का वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग अमेरिका में किस तरह से स्कूल होते हैं और वहाँ किस तरह से गार्डन तैयार करते हैं। तो गार्डन तो अपने भारत में भी सब स्कूल में होते हैं, सारे स्कूल्स में सभी लोग तैयार करते हैं, खूब पेड़ पौधे अपने इंडिया में भी लगाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से कैसा ग्राउंड है, और ये स्कूल के बाहर से हम वीडियो ले रहे हैं, तो कुछ जितना हम शूट कर पाएंगे, और डायरेक्ट शूट कर रहे हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, तो आप लोगों को जैसे मालूम है तो वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए कितने बड़ा ग्राउंड है, कहाँ से कहाँ तक ग्राउंड है। और ये उधर मेरे घर से थोड़ा दूर है, चौराहा है, करीब हमको 15 मिनट लगे घर से आने में, वॉक करके 15 मिनट लगे होंगे हमको वॉक करके आने में। तो स्कूल अभी बंद है, बंद चल रहे हैं, तो हम वीडियो ले रहे हैं। तो ये गुलाब के देखिए लाइन से लगे हुए हैं सारे प्लांट, काफी पुराने हैं और रेड कलर में फूल हैं ये तो सब, और नीचे नीचे विनका लगे हैं, ऊपर ये गुलाब लगे हैं। तो बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं इस समय। यहाँ का मौसम है अपने यहाँ जैसे इंडिया में बारिश का मौसम चल रहा है, और यहाँ गर्मी है, गर्म है। यहाँ दिसंबर में बारिश होती है, दिसंबर में मानसून होता है। तो देखिए इस तरह से लकड़ी लगा दिया है, कितने सुंदर फूल हैं और कितने बड़े हैवी हो गए हैं प्लांट, और ये नीचे विनका के लगा दिए हैं। इस तरह से यहाँ सेट करते हैं, ये साइड में है इस तरफ, ये अब हम पास स्कूल के जा रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं। तो ये फ्रंट में ये हम इनका स्कूल से वीडियो ले रहे हैं, तो वही आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। जैसे बताया ये अभी ये पास आ गए, और ये इस साइड बीच में ये रास्ता है, और ये इस साइड भी ये इस तरह से पौधे लगा रखे हैं। अपने इंडिया में कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ कानपुर में मौसम की ज़्यादा गर्मी और सर्दी की वजह से कुछ पौधे गुलाब के इतने अच्छे नहीं चल पाते हैं, फूल खिलते हैं वहाँ भी सर्दियों में, लेकिन जैसे मानसून में ख़राब हो जाते हैं, बहुत गर्मी में पौधे ख़राब हो जाते हैं अपने यहाँ। और यहाँ इस तरह से फूल खिलते रहते हैं, पूरा टाइम फूल खिलते हैं। तो इस साइड से ये रास्ता है जाने का, और इस तरह से दोनों तरफ ये पौधे लगा दिए हैं। तो यहाँ सभी लोग लगाते हैं प्लांट, जिसको जो पसंद है वो प्लांट लगाते हैं। तो जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, इस साइड भी हैं ये पौधे और बगल में भी पौधे लगे हुए हैं। तो उधर देखते हैं किस चीज़ के हैं, वहाँ तो अभी पास पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा उससे दो कदम दूर है, तो वहाँ भी दिखाएंगे अभी क्या क्या इन लोगों ने लगा रखा है इस स्कूल में। तो अब पास इस साइड भी पहुँच रहे हैं, तो यहाँ के भी दिखाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे बस गुलाब लगे हैं और ग्राउंड है, और ये विनका के बहुत सारे लगा दिए हैं। विनका दो कलर में है, रेड और वाइट कलर में लगा दिए हैं। विनका खूब अच्छे चल रहे हैं क्योंकि इस साइड खूब धूप अच्छी आती है, तो इस तरह से इन्होंने लगा रखे हैं। तो इस साइड अब ये आ गए हम, ये जो बड़ा सा फूल वाला दिख रहा है पेड़, ये हमारे घर में भी लगा है, ये पिंक कलर में है और हमारे यहाँ पर्पल कलर में है।
तो ये समय इसमें खूब अच्छे फूल आ रहे हैं, पेपर फ्लावर हम लोग कह रहे हैं, पता नहीं इसका नाम नहीं मालूम है हमको, हम लोग तो पेपर फ्लावर ही बोल रहे हैं इसको। ये देखिए इस साइड भी ये विनका और ये गुलाब इस तरह से पूरा लगा रखा है, बगल में भी इस साइड देखिए कितने बड़े साइज के फूल आए हैं। एक तो पुराने पौधे हैं और ज़मीन में लगे हैं, धूप भी अच्छी आ रही है, मौसम भी अच्छा है, इसलिए यहाँ का सब ये फूल पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। फ्रूटिंग भी खूब, जो फ्रूट के पौधे लगाए हैं जिनके घरों में, वो भी खूब अच्छे फ्रूटिंग हो रही है, अच्छी फ्रूटिंग होती है, और सब्जियाँ भी खूब अच्छी, जो लोग सब्जियाँ लगाते हैं सब्जियाँ भी खूब अच्छी होती हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना स्कूल में सजाया है। अब स्कूल खुलने वाले हैं, जल्दी स्कूल खुलेंगे, 15 तारीख तक शायद खुल जाएं, यहाँ का नहीं मालूम है, सब स्कूल का अलग अलग टाइम है, कोई 15 अगस्त से खुल रहे हैं, कोई 17 अगस्त से खुल रहे हैं, कुछ यहाँ का मालूम नहीं है कि किस डेट से यहाँ खुल रहे हैं। तो इस साइड ये ऐसे है, ये सीढ़ियाँ हैं और ये अंदर जाने का है इस साइड, और ये इस साइड इस तरह से, ये वही प्लांट है, ये पास आ गए अब हम। तो एक कलर के लगे हैं, रेड रेड और वाइट वाइट, तो इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, और भी सुंदर लग रहे हैं। तो बस पास से ही ऐसे हम शूट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग का काम जैसे बताया अभी हम नहीं करते हैं, अभी डायरेक्ट शूट करते हैं और डायरेक्ट हम बोल देते हैं। यहाँ से ये बाउंड्री है, वहाँ से कुछ और है, दूसरा कुछ है, और यहाँ से बस स्कूल ये पड़ता है। सब रेड कलर में है गुलाब के, ये देखिए। यहाँ से ये गेट है और एक ये गेट है और उधर ओपन है। तो इस तरह से कुछ इस स्कूल का व्यू आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जितना हमसे यहाँ का वीडियो हो सकता है हम ले रहे हैं, अभी आज हम स्कूल का ले रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अमेरिका का स्कूल दिखा देते हैं, किस तरह से स्कूल यहाँ होते हैं और किस तरह से प्लांट लगाते हैं अपने स्कूल्स में। मौसम अच्छा होने के कारण यहाँ जो भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि गर्मी तो होती नहीं है। अब इस समय गर्मी का मौसम है, तब भी यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है कैलिफोर्निया में। सैन फ्रांसिस्को में फ़्लाइट आती है दिल्ली से, इंडिया से हम आए थे, और फिर वहाँ से सनी वैली आधा घंटे हमको आने में लगे थे। तो यही कुछ, हम जब तक इंडिया नहीं पहुंच रहे हैं तो यहाँ के जितने जो भी वीडियो हमसे शूट होंगे, जो हम बना पाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लग सकता है वीडियो बनाने में यहाँ का। वहाँ तो अपने इंडिया में हमारे पास जो टेरेस गार्डन है और बालकनी है, तो वीडियो डालते रहते हैं, अलग अलग प्लांट की केयर कैसे करनी है, यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं है, बस हम शूट करके आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, किसके किसके यहाँ। किसी दिन पड़ोसियों का भी वीडियो डालेंगे, और अभी आज तो स्कूल का वीडियो हमने बनाया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।